एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूं, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं और इनके साथ आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, तो इस नो कांटेक्ट के दौरान क्या है इस पर्सन की सोच आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर? क्या ये पर्सन इस नो कांटेक्ट के दौरान इस वक्त में आपको सोच भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या? चाहे अब आप दोनों का ये जो भी जिंदगी का सफर है वो किसी भी मोड़ पर आप दोनों को लाकर क्यों ना खड़ा कर दिया हो, लेकिन इस मोड़ पर आकर ये पर्सन आपको लेकर इस नो कांटेक्ट के दौरान कैसा महसूस कर रहे हैं, ये चीजें इस रीडिंग में देखी जा रही हैं। व्यूअर्स, आपको बस और बस ये याद रखना होगा, रीडिंग ये जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नो कॉन्टेक्ट के दौरान व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर? कॉम्प्रोमाइज, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए डिवाइन। फ्लावरिंग, गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड, नो कॉन्टेक्ट के दौरान व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सोच क्या बनी हुई है? मैच्योरिटी, सोर्स, साइलेंस। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस की रीडिंग है और नो कॉन्टेक्ट का ही यहाँ पे कार्ड आ गया है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए नो कॉन्टेक्ट में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या बनी हुई है, गाइड कीजिए डिवाइन। डिस्पेयर, स्वीट हार्ट, हैप्पीनेस, मेलोड्रेसी, बॉटम इज जर्नी। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर राशियां डिस्कस करी जाए तो यहाँ पे ना आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिखाई दिए हैं। देखिए, अगर इनकी एनर्जीज के बारे में बात करी जाए ना, तो जो भी आप दोनों के बीच में अब एकदम सन्नाटा चल रहा है, यानी कि ये अपने ईगो की वजह से नहीं बोल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं हालातों को देखकर अब अपने आप को चुप करे हुए हो, दोनों ही सूरतों में जो ये सन्नाटा आप दोनों के दरमियान है, वो सन्नाटा इस इंसान को जैसे मानो निगलता जा रहा है, इस इंसान को ऐसा महसूस कराता जा रहा है कि ये इस सन्नाटे में धंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ कि इसी खामोशी से अब इस इंसान को ऐसी फीलिंग्स, ऐसी वाइब्रेशंस आने लगी है कि काश ये कर लेते। आप दोनों के बीच में अगर कहीं पर इस इंसान को कोई समझौता करना था कि भाई वो समझौता, वो बात मान लेते, एडजस्टमेंट कर लेते, तो डेफिनेटली चीजें तब सही हो जाती, लेकिन इस इंसान ने अपनी जिद के चलते उसको नहीं करा। और अब ये पर्सन इस वक्त में एक ऐसी एनर्जी में है कि काश ये वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, अगर ये वो कॉम्प्रोमाइज, वो समझौता कर लेते ना, तो आज इनकी वो हालत नहीं होती जैसे कि कहते हैं कि इन्होंने अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार ली या कुल्हाड़ी पर इन्होंने खुद से पैर मार लिया। यही एहसास इस इंसान को इस स्टेज पर लेकर जा रहा है कि क्या कर ले, अपने साथ क्या कर ले, अपने आप का नुकसान कैसे कर ले, उस तरह की चीजें इनके दिल में इस वक्त में चल रही हैं। एज एन जब एक होता है ना कि गलती हो गई, अब उसे सुधार नहीं सकते और उस गलती का असर मेरे आज पर, मेरे आने वाले कल पर पड़ रहा है और ज्यादा पड़ सकता है, ये एहसास, ये डर ही काफी है इस इंसान को अपने आप को खत्म करने के लिए। तो वो एहसास इस इंसान को हो रहा है कि काश उस वक्त पे इस तरह से कर लेते तो आज ये नौबत ना आती।
इवन इस पल में ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, आपकी जो भी नेचर थी, जो भी आप काइंड हार्ट थे, एक मदर नेचर थे, जो आपका दिल एकदम स्वीट था, वो सभी चीजें रह रहकर जितना ज्यादा इस इंसान को याद आ रही है, यानी कि आप भी और आपसे जुड़े हुए रिश्ते की खूबसूरती जितना ज्यादा इस इंसान को याद आ रही है, उतना ज्यादा इन्हें अपनी इमेच्योरिटी भी झलक रही है। इन्हें इस सिचुएशंस को समझौता करके मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी अपनी साइड से, या इन्हें मैच्योरिटी से डील करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वही नहीं करा। और वही एहसास इस इंसान को ऐसा एहसास दिला रहा है कि ये जो जर्नी है ना, अब जितनी भी रही सही जिंदगी है, शायद ये अकेले ही काटनी है, या यूं खामोश रहकर, चुप रहकर, सर झुकाकर ही शायद अभी ये काटनी है। और वही जर्नी इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा भारी होती जा रही है। बहुत ज्यादा सोर्सेस हालांकि इस इंसान के थ्रू ढूंढे गए और ढूंढे भी जा रहे थे काफी वक्त से, कैसे अब चीजों को ठीक करा जाए, कैसे अब बात अपने ऊपर भी ना आए और अल्टीमेटली रिश्ता भी सही हो जाए। लेकिन जब इस इंसान को कोई कंक्लूजन नहीं मिला, जब इस इंसान को कोई माध्यम नहीं मिला, उस तरह से जिस तरह से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तब जाकर ये इंसान अपने हिस्से निराशा देख रहे हैं, अपने हाथ खाली देख रहे हैं, या अपने आप को उस डिसअपॉइंटमेंट की तरफ पहुंचते हुए देख रहे हैं, उस पतझड़ की तरफ पहुंचते हुए देख रहे हैं, जहां पर इन्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पेड़ होता है ना, पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो वैसी इनकी फीलिंग्स इस वक्त में है। ठीक है, तो करंट में भले ये खामोशी आपको भी परेशान कर रही है, आपको भी निगलती जा रही है, लेकिन यही खामोशी इस इंसान को भी जीने नहीं दे रही है। इस इंसान का जीना भी इसी खामोशी ने पूरी तरह से दुश्वार कर रखा है। वो एहसास इस इंसान को इस पल में इतना ज्यादा हो रहा है व्यूअर्स, कि वही चीज है कि अपना कुछ बुरा ना कर ले। ठीक है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले किसी से, बिना कुछ एक्सप्लेन करें, तो ऐसी चीजें इनके इर्द गिर्द जैसे पल में मंडरा रही हूं। चलिए देखते हैं टैरो से, रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़ूंगी व्यूअर्स, क्योंकि ये डेक जो है ये दोनों तरफ से है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस नो कांटेक्ट के दौरान मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है, गाइड कीजिए। देखिए, थ्री ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, मैंने इसी एनर्जी के बारे में बात करी, यानी कि अपने आज को देखकर, अपने हालातों को देखकर इस कदर डर इस इंसान के चारों तरफ इन्हें मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, इस कदर इन्हें खामोशी इस वक्त में अपने इर्द गिर्द दिख रही है, अंधेरापन दिख रहा है, कि ये उस अंधेरे से बचने की कोशिश करने के लिए अपना कुछ नुकसान करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इससे अल्टीमेटली निजात पा सके, इस जो डर इनके खुद के भीतर है, बाहर नहीं है, वो खत्म हो सके, और वो अल्टीमेटली इनके खुद के अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बाद ही खत्म होगा। रीजन इसके पीछे का बस सिर्फ इतना है कि उस पल में इन्होंने समझौता नहीं करा, और अब मुझे कहीं ना कहीं ये चांसेस दिख रहे हैं, जहां पर भी है ना, एक बोझ के तौर पर अपने आप को मान रहे हैं कि मैं औरों पर बोझ हूं, जिन भी लोगों के पास हूँ, जिन भी लोगों में मैं घिरा हुआ हूँ या घिरी हुई हूँ ना, शायद मैं बस उनके ऊपर एक बोझ ही बनकर रह गई हूँ या रह गया हूँ, या फिर कहीं ना कहीं शायद उनकी मेंटलिटी मुझको लेकर ऐसी है। तो इनके मन में ना ये चीजें भी ज्यादा सवार हो रही है, जिसके चलते इस तरह के थॉट्स इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। हालांकि देखो, ये उन इंसानों में से भी हैं जो अपने दुख को, अपनी तकलीफ को एकदम से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, चाहे रीजन कोई भी हो, ईगो हो, या इन्हें इसी में अपनी मैच्योरिटी दिखती हो, लेकिन ये चीजें तो यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। नो कांटेक्ट में व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, इन्हें इस वक्त में ऐसा लग रहा है जैसे जहां पर भी है ना, वहां पर डे बाय डे इनकी जो सिचुएशन है, इनकी जो हालात, इनके जो हालात है ना, वो ऐसे हो गए हैं जैसे मानो इन्हें सड़ा रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से वो नेगेटिव कर रहे हैं, इन्हें बीमार कर रहे हैं, मेंटली भी इन्हें परेशान कर रहे हैं, तो वो चीजें इन्हें फील हो रही है। यानी कि आसपास जो लोग हैं ना, वो इनकी उस तरह से परवाह नहीं कर रहे, उस तरह से केयर नहीं कर रहे, जिस तरह से आपने इनकी परवाह करी, आपने इनकी केयर करी। तो यहाँ पे आपको लेकर एक मिसिंग एनर्जी है इस इंसान की, लेकिन वही चीजें है ना व्यूअर्स,
अब ये पर्सन अपने ही एक अलग इल्यूजन्स में है, जिसके चलते वो सुकून इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई परवाह करने वाला नहीं है, या किसी को कोई परवाह नहीं है कि किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किसी को कोई भी इनकी चिंता नहीं है। तो ऐसे थॉट भी अब इस इंसान को व्यूअर्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। लवर्स इन रिवर्स आया है, जेमिनी काफी स्ट्रांग है यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुलाइन कुंभ राशि। जितना ज्यादा ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने की अपनी साइड से कोशिश कर रहे हैं या इस तरह के थॉट्स अपने अंदर डेवलप होते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज्यादा इस इंसान को कहीं ना कहीं अपने आप से ही जैसे मानो घिन हो आ रही हो, या अपने आप से ही जैसे इस इंसान को ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हो कि आपके लिए कितने गलत इरादे रख रहे थे, या कितना ज्यादा इस इंसान की सोच आपको लेकर बनी थी, और जब इन्हें अपने आप पर ही कहीं ना कहीं शेम फील हो रहा है, तो आपको तो डेफिनेटली इस इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। आपका तो भरोसा डेफिनेटली इस इंसान पर से पूरी तरह से उठ गया होगा। तो ये चीजें ना इस इंसान को यहाँ पर जैसे मानो ये इन्फ्लुएंस कर रही है कि इनकी मैच्योरिटी इसी में है कि अब ये जो चाहते हैं आपसे या आपसे जुड़े हुए रिश्ते से, ये वो ना बोले, बजाय उसे बोलने के, कहने के, उसे छुपी रखें, उसे अपने अंदर अपने आप तक ही सीमित रखें। तो ऐसी चीजें भी इस इंसान के दिल में चल रही हैं, यानी कि अब इन्हें लग रहा है कि शायद अब मेरा ना चुप रहना ही यहाँ पर ठीक रहेगा। रीजन क्या बन रहा है कि मैच्योरिटी इसमें है मेरी, क्योंकि उसका तो भरोसा मेरे पर से ऑलरेडी उठ ही गया होगा। सोर्सेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। सोर्सेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए। जजमेंट, इन्हें ना पूरी तरह से अपनी जिंदगी व्यूअर्स होना हो पलटती हुई नजर आ रही है। सब चीजें जितना पॉजिटिव वे में जा रही थी, आपको लेकर पैशन था, आपको लेकर एक अलग एक्साइटमेंट था, आपके दिल में इनको लेकर अलग पैशन था, रिश्ते में, सिचुएशन में, हालातों में, सभी चीजें एक पॉजिटिव वे में जा रही थी, वो सभी चीजें यहाँ पर एकदम उलट फेर हो गई हैं, वो सभी चीजें एकदम पलट गई हैं, ऐसा एहसास इस इंसान को हो रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो, जब कहते हैं ना दिमाग खराब होता है, नेगेटिव होता है, या जब आपके दिन अच्छे नहीं होते ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो अपने आप को पॉजिटिव रखने की, या कितनी भी कोशिश कर लो सॉल्यूशंस ढूंढने की, आपको अल्टीमेटली चीजें नेगेटिव वे में ही दिखाई देती हैं। तो वही इनके साथ हो रहा है, इन्हें सभी चीजें मानो ऐसी फील हो रही है, सब नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, कुछ भी सही होने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी सही नहीं होगा, उस तरह का एहसास इस इंसान को व्यूअर्स ज्यादा तकलीफ दे रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब यूनिवर्स नहीं चाहती है इनकी जिंदगी में इन्हें किसी तरह की खुशियां देना। एक ऐसी साइकोलॉजी इन्होंने अपनी बना रखी है कि जब भगवान ने ही सोच लिया है मुझे कुछ नहीं देना है मेरे बुरे कर्मों की वजह से ही सही, तो फिर मैं कितने भी हाथ पैर मार लूं, मुझे कुछ भी चीजें अब हासिल नहीं होंगी। तो उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन जा चुके हैं इस पल में। करंट में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब ना ये तो खड़े हैं आपका इंतजार करने के लिए, आपकी तरफ ऑफर लेकर आने के लिए, या आपका ऑफर स्वीकार करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से टूट चुके हो, आप पूरी तरह से बिखर चुके हो। आपका दिल इनको लेकर जो कभी एक वक्त पे धड़कता था, वो यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो गया है। उसे जोड़ना आपके लिए भी डिफिकल्ट है और इनके लिए भी डिफिकल्ट है, क्योंकि अब आप इनका हाथ थामने के लिए कहीं ना कहीं इन पर, इस रिश्ते पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे। एक भरोसा जो होता है ना रिश्ते में, बहुत जरूरी होता है, और वो भरोसा इन्होंने आपका तोड़ दिया। भले ये कितना भी अब आपका वेट कर रहे हो, कितना भी तैयार हो, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको पूरी तरह से क्योंकि तोड़कर रख दिया। तो ओवरऑल आप इन्हें उस तरह से तो नहीं मिलोगे जिस तरह से पहले आप इन्हें मिल गए थे, या उस तरह से जो एक आपके अंदर चुलबुलापन था, एक शरारते आप करते थे, उस तरह से तो आप नहीं होंगे। तो ऐसी चीजें, ऐसी वाइब्रेशन इस इंसान को इस वक्त में आ रही है। चलिए ये देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स प्लीज डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस।
अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज स्प्रिट गाइड गाइड कीजिए। वन, मैं इसको ऐसे करके निकालती हूँ, थोड़ा निकालने में इजी हो जाएगा। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। चलिए देखते हैं। आई विल कम, विल यू वेट फॉर मी। आपसे कन्फर्मेशन चाह रहे हैं ये पर्सन की, अब अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप इनका इंतजार कर रहे हो या नहीं। यू आर माई वर्ल्ड, क्योंकि ये अपने आप से तो ये जान गए हैं कि आप इनकी दुनिया हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू किस यू, और ये अपनी इस दुनिया को प्यार करना चाहते हैं, उसे किस करना चाहते हैं, उसे गले लगाना चाहते हैं। आई एम अलोन, यार कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। आर यू स्टिल वेटिंग, क्या आप इनका वेट कर रहे हो, आपसे पूछना चाह रहे हैं स्नो कॉन्टेक्ट के दौरान। प्लीज डोंट लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने मत दो। अगर मैंने जाने का फैसला लिया, मैंने ब्लॉक करा, मैंने नो कॉन्टेक्ट ये सिचुएशन क्रिएट करी, तो प्लीज मुझे ऐसा मत करने दो। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई डिडेंट वॉन्ट टू हर्ट यू, मैं कभी भी नहीं चाहता था या चाहती थी तुम्हें तकलीफ देना, तुम्हें दर्द देना। डोंट क्राई माई जान, वी विल मीट अगेन। आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम अभी भी याद कर रहे हो ना, तो प्लीज रोना मत, हम दोनों फिर से मिलेंगे। यू आर माई सोलमेट, क्योंकि मैं ये जान गया हूँ या ये मान रही हूँ, ये जान चुकी हूँ कि हम दोनों एक सोलमेट है, एक सोल जर्नी में है, और हम दोनों की सोल एक दूसरे के बिना अधूरी ही रहेगी, अधूरापन महसूस करेगी ही करेगी। तो ये भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स या डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है। आखिर उन्होंने इस रिश्ते को लेकर आपके लिए क्या फैसला ले रखा है, क्या सोच रखा है, ये चीजें देखूंगी, ठीक है। टी ड्रॉप्स, सनराइज ये निकल रहा है, डॉग, दो कार्ड्स आए हैं, टी पॉट एंड अप्रैल, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों ही तकलीफ में हो, बस इतना फर्क है, क्योंकि एक भरोसा यहाँ पर अब ब्रेक हो चुका है, इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे की तकलीफ से ज्यादा अपनी अपनी तकलीफ ज्यादा बड़ी लग रही होगी, या दूसरे की तकलीफ आप दोनों को ही कहीं ना कहीं बेमायने लग रही होगी, स्पेशली आपको और एक वक्त पे इन्हें लगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है, क्योंकि आपका जो प्यार है वो एक दूसरे को लेकर काफी गहरा है, ये जो दोस्ती है वो काफी गहरी है, और एक वक्त पे डेफिनेटली ये दोस्ती ये प्यार काफी गहरा रहा। भले इस रिश्ते को किसी की नजर लग गई, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को डिवाइन ने, यूनिवर्स ने फिर भी प्रोटेक्ट कर रखा है, और इसी के चलते ये रिश्ता जो भी है, इसकी ऑनेस्टी जो भी है, वो यहाँ पर एक नई शुरुआत जरूर से लेकर आएगा, एक फ्रेश स्टार्टिंग इस कनेक्शन में होगी। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर अप्रैल मंथ की दिखाई दे रही है, भले इस इंसान को अभी अपनी जिंदगी में पतझड़ नजर आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर अप्रैल मंथ तक आते आते नई लीव्स, नई खुशियां, नई स्टेबिलिटी, वो भरोसा, वो भी अपने आप बिल्ट होना शुरू हो जाएगा, और उसी के साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत आप दोनों के दरमियान यहाँ पर आएगी। तो ऐसा यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे बोल रही है, ठीक है व्यूअर्स। अब देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट नॉट लीस्ट नंबर्स या फिर लेटर्स, जो आप लोगों के नेम में कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। वन, टू, लेट्स चेक। सो सबसे पहले व्यूअर्स ये आया है एन बी एम एच के सी यू S W L अगेन W या M कुछ भी ले सकते हैं आप, अगेन U D
एफ जेड यू अगेन, काफी लेटर्स आ गए, के अगेन एंड टी, और ये आपका आर। नंबर्स जो मुझे दिखाई दिए वो हैं 5 यानी कि मई मंथ, 3 यानी कि मार्च मंथ, 1 यानी कि जनवरी मंथ, 4 यानी कि अप्रैल मंथ, 7 यानी कि जुलाई मंथ, 0 आप कहीं पर भी लगा सकते हो, जैसे 5050 जो आपका एज ग्रुप या आपके पर्सन का एज ग्रुप, 3030 जो आप या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या एज ग्रुप, 1010 यानी कि अक्टूबर मंथ या फिर 1010 आपका डेट ऑफ बर्थ, 4040 जो आपका एज ग्रुप हो सकता है, 70 आपका सन हो सकता है, बर्थ सन, बर्थ ईयर। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक लाइक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। क्लेम, ग्रेटिट्यूड, ये सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर से लेकर आइएगा, और यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से क्लेम या ग्रेटिट्यूड करके ज़रूर से जाइएगा व्यूअर्स। ठीक है, और जो लोग चैनल पर पहली बार मुझसे जुड़े हैं इस रीडिंग के माध्यम से, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, कनेक्ट कर पाए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा व्यूअर्स, एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर से करके जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।